हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेस में दोस्तों आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट से बेस्ट टॉपिक रहने वाला है, नया मोदी मंत्रिमंडल 2024। फ्रेंड्स, 2024 में सभी मंत्रिमंडल बदल गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा ये, और यकीन मानिएगा कि इसके अंदर से हर एग्ज़ाम में एक से लेकर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नया मोदी मंत्रिमंडल। तो फ्रेंड, 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हुए उसके अंदर किस कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको कौन से पद दिए गए हैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन क्या है, आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के नए रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स, बात करें भारत के नए रक्षा मंत्री, तो फ्रेंड भारत के 2024 लोकसभा से पहले जो चुनाव था उसमें जो रक्षा मंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे, और वापस से 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें रक्षा मंत्री किनको बनाया गया है, राजनाथ सिंह को। तो बी इज द राइट आंसर, याद रखें पहले भी रक्षा मंत्री यही थे और अभी भी इन्हीं को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स, भारत के नए गृह मंत्री जो बने हैं वो बने फ्रेंड्स अमित शाह, और अब से 2024 से पहले भी अमित शाह ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स कौन बने, तो फ्रेंड्स ये बने नितिन गडकरी। तो फ्रेंड अब से पहले 2024 से पहले भी नितिन गडकरी ही थे, तो ये पद इनको वापस मिला है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे, कौन बने। तो फ्रेंड्स, भारत के नए एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बने हैं जेपी नड्डा। ए इज द राइट आंसर, याद रखें ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो फ्रेंड्स, इनको नए मंत्री का पद दिया है, और फ्रेंड्स ये बने शिवराज सिंह चौहान। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण, अब से पहले भी निर्मला सीतारमण थी और वापस से 2024 के चुनाव में भी इनको जीतने के बाद इनको वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों मंत्री बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड, भारत के नए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अब से पहले भी 2024 से पहले भी डॉक्टर जयशंकर ही थे और वापस से इनको विदेश मंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के नए ऊर्जा एवं सहकारी विकास मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा लें, राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल खट्टर। फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, पूर्व सीएम है ये हरियाणा के, तो मोहनलाल खट्टर को ये पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स ये बने HD कुमार स्वामी, बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड टॉप 30 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, टॉप 30 क्वेश्चन का लास्ट में आप बताओगे कि आपका स्कोर कार्ड क्या था, टॉप 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो फ्रेंड बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आपको आपके रोहित सर की अगर मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक में कोई कंजूसाई ना करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी इसी तरीके के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, बी इज़ द राइट आंसर। क्या फ्रेंड्स, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स ये बने फ्रेंड्स कौन, धर्मेंद्र प्रधान, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड दसवें क्वेश्चन को हम वापस देखते हैं, भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल कौन बने फ्रेंड्स, पीयूष गोयल, ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जितिन राम मांझी, बी इज़ द राइट आंसर, स्टार मार्क्स लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए पंचायत राज मंत्री तथा मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स ये बने राजीव रंजन सिंह, ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री कौन बने? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभानंद सोनवाल, बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया वीरेंद्र कुमार को, डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया है फ्रेंड? वीरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले ज्योतिराव सिंधिया उड्डयन मंत्री थे, पर 2024 के चुनाव के बाद इनको चेंज करके फ्रेंड्स किसको बना दिया है? राम मोहन रायडू, ए इज द राइट आंसर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2024 में उपभोक्ता मामले एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रहलाद जोशी, सी इज द राइट आंसर, याद रखना, उपभोक्ता मामले और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय किसे दिया है फ्रेंड? प्रहलाद जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स ये बने जुएल ओरोवा, ए इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स ये बने गिरिराज सिंह, ए इज द राइट आंसर। स्टार मार्क लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। होने को तो सारे ही टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, परंतु अगर आप इनको अगर देखोगे तो एक से लेकर दो क्वेश्चन आपको इन मंत्रिमंडलों में से हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स के रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, तो ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिनके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने? तो फ्रेंड अब से पहले अश्विनी वैष्णव ही रेलवे मंत्री थे और अभी भी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, अश्विनी वैष्णव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेलवे मंत्रालय के अलावा इनको सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है। तो फ्रेंड अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तो हैं, लेकिन उसके अलावा इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 2024 में संचार मंत्रालय, उत्तरी पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स अब से पहले ज्योतिराव जो सिंधिया हैं उनको उड्डयन मंत्री बनाया गया था 2024 के चुनाव से पहले, लेकिन इस बार उनको 2024 में संचार मंत्रालय में उत्तरी पूर्व क्षेत्र विकास के मंत्रालय दिया गया है, तो ज्योतिराव सिंधिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बने भूपेंद्र यादव, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, नए परिवहन वन जलवायु और परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ए इज द राइट आंसर, याद रखना, भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? तो फ्रेंड 2024 से पहले कौन थी? स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से चुनाव हार गई है, तो इसलिए इस बार इनको नहीं बनाया गया, और अब इस बार बनाया गया अन्नपूर्ण देवी, सी इज द राइट आंसर। क्या फ्रेंड? अन्नपूर्ण देवी, तो याद रखना फ्रेंड्स, अन्नपूर्ण देवी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया किरण रिजिजू, बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के नए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हरदीप सिंह पुरी, सी इज द राइट आंसर, याद रखना, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नए श्रम और रोजगार मंत्री युवा मामले में खेल मंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स बने मनसुख मंडाविया जो है वह नए श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के नए कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी, सी इज द राइट आंसर, याद रखना, भारत के नए कोयला मंत्री और खान मंत्री बने जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स ये बने चिराग पासवान, ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने? तो फ्रेंड्स ये बने सी आर पाटिल, ए इज द राइट आंसर, याद रखना। टॉप 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कैसा लगा कंटेंट फ्रेंड्स कमेंट कर जरूर बताना। तो फ्रेंड्स
आइए जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो फ्रेंड्स, पीएम मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री वापस से तीसरी बार चुने गए हैं। तो पीएम मोदी ने अपने पास कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीतिगत मुद्दे, अन्य विभाग जो किसी मंत्रालय को नहीं सौंपे गए हैं वे अपने पास रखे हैं। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी के पास ये मंत्रालय दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को क्लिक कर लें, जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं आपको एक नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।